राहुल की भी सोच बाबा जैसे ही है। राहुल गांधी को राम कहते हैं, जीजा उन्हें साईं बाबा कहने लगे। केवल झूठ और छल कपट के आधार पर राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस करती है। कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के राहुल गांधी की साईं बाबा से तुलना करने पर मध्य प्रदेश में राजनीति गरमा गई है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार को भगवान बनाने में तुली हुई है, जबकि ये परिवार भगवान को मानता ही नहीं है। इतने सालों मैंने पहले भी कहा था। शिवराज सरकार में चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को फोटो वायरल करने का इतना शौक है, लेकिन वे अपनी बहन प्रियंका के साथ सभी तरह की फोटो वायरल करते हैं, लेकिन कभी भी राखी बंधवाते हुए फोटो वायरल नहीं करते। जो राम को गाली देते हैं, कांग्रेस उन्हें ही राम बनाने की कोशिश कर रही है। कभी राजस्थान के मंत्री राहुल गांधी को राम कहते हैं, जीजा उन्हें साईं बाबा कहने लगे। कुणाल चौधरी जी ने उन्हें राम कहा, तो अब कांग्रेस नेहरू परिवार को भगवान के रूप में स्थापित करने के चक्कर में है। जो भगवान को नहीं मानते उनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा, साईं बाबा को हर व्यक्ति हर धर्म के लोग मानते हैं। साईं बाबा कोई आडंबर नहीं करते थे, उन्हें कोई गुरूर नहीं था। राहुल गांधी भी ऐसे ही हैं। नहीं, राहुल गांधी के बारे में बोलना है, कोई प्रधानमंत्री बोले, कोई बड़ा नेता बोले, उनका अमित शाह जी बोले। जहाँ तक साईं बाबा का सवाल है, साईं बाबा को सभी धर्म जाति के लोग मानते हैं। बोले वाले साईं बाबा, कोई आडंबर नहीं, कहीं कोई वो नहीं। ये स्थिति राहुल गांधी की है, कोई आडंबर नहीं, सीधे साधे 3500 मीटर पैदल चल रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बयान से शुरू हुआ विवाद कहां तक जाएगा अभी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है।